गिरिडीह नगर निगम के उपनगर आयुक्त कार्यालय का घेराव शुक्रवार को सफाई कर्मियों ने किया। इस दौरान कर्मियों ने अपना सारा कामकाज ठप कर निगम परिसर में धरने पर बैठ गए। कर्मियों के अचानक आंदोलन पर जाने की जानकारी मिलने पर कर्मचारी नेता अशोक सिंह, लखन हरिजन और लखन शर्मा भी पहुंचे। नगर आयुक्त कार्यालय का घेराव कर रहे कर्मियों का आरोप था कि पिछले 6 माह से निगम द्वारा कर्मियों के एरियर भुगतान में लापरवाही की जा रही है। यही नहीं, निगम के 42 रिटायर्ड कर्मियों के पेंशन का भुगतान भी नहीं हुआ है। निगम के कार्यालय कर्मियों के लापरवाही के कारण भुगतान पर लगी रोक होने के विरोध में सफाई कर्मियों ने इस दौरान जहां जमकर हंगामा किया, वहीं उपनगर आयुक्त कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठ गए। इस बीच कर्मचारी नेता अशोक सिंह के साथ लखन हरिजन समेत कई कर्मचारी नेता नगर आयुक्त के कार्यालय पहुंचे और अधिकारी से वार्ता किया। वार्ता के क्रम में ही सामने आया कि कार्यालय कर्मियों की लापरवाही के कारण जहां एरियर भुगतान रुका हुआ है, तो निगम का आर्थिक हालत खराब रहने के कारण रिटायर्ड सफाई कर्मियों को उनका पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा है। करीब 1 घंटे तक चले वार्ता का समाधान निकाला गया, जिसमें एरियर भुगतान मार्च तक करने की बात कही गई, तो एक चार्ट के माध्यम से सेवानिवृत्त हुए सफाई कर्मियों की सेवा अवधि को देखते हुए पेंशन भुगतान करने पर सहमति बनी। इधर वार्ता के बाद सफाई कर्मियों ने कार्यालय घेराव को समाप्त कर दिया। इस निगम की दर्दनाक हालत इसलिए भी है कि एक हाथी है आकांक्षा, जो सब पैसा उठा के ले जाता और काम कुछ करता नहीं, खा जाता है। वहाँ जो कार्यरत मजदूर है उसकी हालत और भी बदतर है। वहाँ का ईपीएफ राशि काट करके जो मजदूर का हिस्सा है वह भी जमा नहीं करता है और अपना हिस्सा भी वह जमा नहीं करता है। सबका नॉमिनी गलत दिया, एमएलए बैठे, मेयर बैठे, नगर उपायुक्त बैठे, सारे लोग के सामने हम लोग की वार्ता तय हुई कि 3 दिनों के अंदर में इनका हिसाब दुरुस्त कर दिया जाएगा। लेकिन आज 1 महीना हो गया, हिसाब दुरुस्त नहीं हुआ। इस 1-1 सप्ताह के अंदर आकांक्षा में भी आंदोलन होगा, सारे लोग हड़ताल पर जाएंगे, ये आज हमने इनको बता दिया है। दूसरी ओर जो श्री पब्लिकेशन है, यह कलेक्शन कर नहीं रहा है, खाली परसेंटेज ले रहा है, और जो कल नगर निगम में होता था उसका 10 गुना ज्यादा इनके कर्मचारी जो है वो मालिक बनकर के भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। जो पैसा देगा उसका रसीद कटेगा, जो पैसा नहीं देगा 2 नंबर का उसका रसीद नहीं कटेगा। इससे दोहरी मार हो रहा है, पैसा भी वो ले रहा है और नगर निगम का आमदनी भी नहीं आ रहा है। और ऐसा अगर परिस्थिति रहा तो रोज हड़ताल होगा। देखिए, ये ऑल ऑफ सडन ये हड़ताल नहीं इसको कहा जाएगा, इसको वार्ता कहा जाएगा, जो कि हमने उनके समक्ष ही इस बात को कहा। ये बात की पुष्टि वो भी कर देंगे। एक सामूहिक उनको कुछ मांग थे, उन मांग को लेके आज उन लोग हमारे पास आए थे और मुख्यतः 5 मांग थी, जिसमें से सब मांग ऑलमोस्ट हम लोग मेजोरिटी ऑफ मांग मान लिए। कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूजन था ऑफिस के स्तर से और कुछ गाइडलाइन की कमी थी, तो उसमें सारा चीज़ का निर्णय हो गया है। जिनका भी आपको पेंशन का मामला है उसको हम लोग रिक्वायरा कर देंगे आपको। बकाया भुगतान आपका है जो रिटायरमेंट बेनिफिट वगैरह का है, निगम के पास पैसा का अभाव भी रहता है, तो उस हिसाब से आदमी निगम को भी चलाना पड़ता है, तो हर चीज़ हर समय हर किसी के लिए पूरा नहीं हो पाता है, तो उसी में एडजस्टमेंट करते हुए हम लोग चलाते हैं। तो जिस तरह की भी चीज़ें थी, एक अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोगों ने बैठ के सारा चीज़ को आज के दिन ही सॉल्व कर लिया और मेरे ख्याल से सब कुछ संतुष्ट भी।